नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां हरदा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जवाबी हमला किया है। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जो अपने मंत्रियों और विधायकों का भरोसा ही नहीं रख पाए, वह अब जनता का भरोसा जीतने निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की लूटपाट और झूठे वादे देख चुकी है, वह अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने 10 साल में मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, बर्बाद किया था। बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं। और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य मिलाए, जहां 2990 मेगावाट बिजली थी उसको 18,000 मेगावाट से अधिक करके सरप्लस कर दिया। आत्मनिर्भर 24 घंटे गांव और शहर में बिजली मिल रही है। सिंचाई जहां 7.5 लाख हेक्टेयर थी, आज 42 लाख हेक्टेयर से अधिक है और 50 लाख गांव भी हम कर देंगे। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क, गड्ढे में गड्ढा था, उसको शिवराज सिंह जी ने बढ़िया सड़कें बना के कर दी है। और कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, जितना बर्बाद मध्य प्रदेश तो दिग्विजय सिंह ने 10 साल में किया, इन्होंने 15 महीने में कर दिया। और सबसे बड़े झूठे ले, जनता से वचन दिया था कि 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बनते से ही, सरकार बनते से हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख तक का, नहीं किया। और अब बड़ी बेशर्मी से, ये इतने बेशर्म है, इनको शर्म ही नहीं आती जनता के सामने झूठ बोल।